हेलो गाइस व्हाट्सएप। तो अभी आप सब क्या कर रहे हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तूफान ट्रेलर का। दोस्तों तूफान ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज़ हो चुका है। काफ़ी बेसब्री से मुझे इस ट्रेलर का इंतज़ार था, तो ये अभी ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। तो दोस्तों आज हम इस ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों रिव्यू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अंडरस्टैंड? ज़रूर प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो बेस्ट लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो रिव्यू शुरू करते हैं। करने से पहले मैं आपको इसकी स्टारकास्ट के बारे में बता देता हूँ, यानी कि मेन स्टारकास्ट में परेश रावल है जो कि कोच का किरदार अदा करेंगे, और फरहान अख्तर जो एज ए बॉक्सर, और मुरली ठाकुर एज ए हीरोइन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इस ट्रेलर की स्टोरी की, यानी कि मूवी स्टोरी की बात करें, तो इस मूवी की स्टोरी से ट्रेलर देखने से पता चला है कि इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि जो फरहान अख्तर हैं वो पहले एक गुंडा होते हैं जो कि अंजू भाई से मशहूर होते हैं, और फिर वो कैसे अजीज़ अली बनते हैं। तो वो ट्रेलर में भी आप देख सकते हैं कि वो पहले एक गुंडे का रोल करते हैं, और फिर उसकी जो हीरोइन होती है वो उसे कहती है तुम अजीज़ अली बनोगे या अंजू भाई, तो वो अजीज़ अली बनना चाहता है। और फिर वो परेश रावल के पास जाता है और वहाँ से ट्रेनिंग लेता है और फिर बॉक्सर के लिए लड़ता है, यानी बॉक्सिंग करता है, और फिर वो बॉक्सिंग छोड़ देता है। बॉक्सिंग छोड़ने के पीछे उसकी कोई वजह रीज़न होगा, तो फिर से वो उसे फोर्स करती है उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मुरली ठाकुर कि वो फिर से बॉक्सिंग करे। तो फ्रेंड्स वो फिर से बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा कि सलमान खान सर की फिल्म सुल्तान में उनका पेट आगे निकला हुआ था, तो कुछ इस तरह इस तूफान मूवी में भी फरहान अख्तर का पेट लास्ट सीन में आपने देखा कि उसका भी पेट आगे निकला हुआ था। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये मूवी सलमान खान सर की सुल्तान मूवी की रिमेक हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा भी लगता है कि इसमें कुछ ही सीन होंगे जो कि रीमेक होंगे। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये मूवी बहुत ही बेस्ट लगी, क्योंकि मैं आप बॉक्सिंग का बहुत शौकीन हूँ, तो आप अपनी राय का भी इजहार कमेंट में ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और ये मूवी दोस्तों बहुत ही इस जुलाई में रिलीज़ होगी, तो ये जल्दी रिलीज़ होने वाली है। तो फ्रेंड्स बताना कि आपको किस किस को इस मूवी का इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में।